एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है कांबे की ग्रैंड मदर को, जिसका नाम काइकुगो होता है, और यहाँ पास वो बात कर रही होती है, जहाँ पे वो लड़की कहती कि हम आपके लिए कुछ हांगकांग से लाए हैं एज अ गिफ्ट, तो वो सर्व करने के लिए कहती है और वो सभी लोग एक सर्व किया हुआ खाना खाते हैं, जिस पर दादी पूछती है काटो से, ये बंद दांत तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना, यानी कि कांबे की बात चल रही है। वो कहता है कि हाँ थोड़ा परेशान तो करता है ये बंदा, या मतलब उसकी पूरी की पूरी टांग खिंचाई कर रहा है, और वो ये भी बताता है कि जो भी काम करते हैं उस बीच में टांग खींच कर और पूरा काम बिगाड़ने में लगा रहता है। कि तभी पीछे से एक बटलर आता है, एक्चुअल में देखने में तो बिल्कुल ये ह्यूमन जैसा लग रहा है, लेकिन ये बटलर उस जगह से निकल जाता है और अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। रियली काटो को ये पता चलता है कि ये बटलर AI बटलर है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर काटो आज बहुत खुश था, क्योंकि उसकी दादी से काफी ज्यादा उसने शिकायत की थी, लेकिन उसकी गांठ तब पड़ जाती है जब हमारा कांबे काफी जोरदार गाड़ी चलाता है। जाता है कि हमारा काटो एक ट्रेन के अंदर बैठा है, जिसके बगल में एक बच्चा बैठा है जो कि गाना सुन रहा है। काटो उससे बोलता है एक्सक्यूज मी तुम कुछ खाना चाहोगे क्या, और वो खाना ऑफर करता है उस बच्चे को। यहाँ पे वो बच्चा पहले तो मना करता है, बाद में खाने लगता है, जिसपे उसे पता चलता है कि उसकी बहन हॉस्पिटलाइज्ड है। खैर यहाँ पास से वो गाना सुन रहा होता है तो वो बताता है कि नहीं मैं कोई गाना नहीं सुन रहा हूँ, ये वैसे बस इंग्लिश लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो कि हम किया करते थे। खैर जिसके बाद वहाँ पर हमें पता चलता है कि काटो का स्टेशन आ चुका है और वो नीचे की तरफ उतरने लगता है और वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी बहन को लेकर अपने घर लौट जाना, और उसे बेस्ट विशेस के लिए एक छोटी सी पुड़िया देता है। ड्रग्स। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है काटो की स्टेशन में जैसे उतरता है तो पता चलता है कि पूरे के पूरे स्टेशन में लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि बाहर कोरोना काल चल रहा था। खैर यहाँ पास से वो अपनी पुलिस वाली दिखाता है बैच और कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, वो बताता है कि पुलिस जो बाहर अभी भी ट्रेन गई थी उसे किसी ने हाईजैक कर लिया है, सभी लोग बाहर ही उतर रहे होते हैं जिससे वो लोग बच सकें। यहाँ पास से हमारा काटो आता है और एक उस जगह के TI को दिखाता है और कहता है कि अंदर क्या चल रहा है, और अंदर चला जाता है। फाइनली उसे पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसने कुछ समय पहले ही अभी उससे बात की थी, और मतलब ये वही बच्चा जो कि अपनी बहन को लेने अमेरिका जा रहा है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सुन रहा था, जिसके बाद वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता, कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जाते जाते वो देखता है कि उसका ईयरफोन उसके एक दरवाजे के नॉब पे लगा हुआ है जिससे कोई पीछे से आ ना सके। वहीं पर औरतें बात कर रही होती है कि कांबेई को फोन लगाता है काटो दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर, कहता है कि तुमने क्या न्यूज़ सुना, और वो कहता है कि कांबे को इसके बारे में मत बताएं, कि तभी पीछे से कॉप्स आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि काटो तुम इस जगह से जा सकते हो, अब यहाँ से हम संभाल लेंगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही देख लूंगा, और वो एक छोटा बच्चा है कोई मुजरिम नहीं। समय पहले मैं इसी ट्रेन के अंदर बैठा था और वो बच्चा तकरीबन 19 से 20 साल का होगा। यहाँ पास से वो कहता है कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को। तभी उसमें कॉप कहता है ऑथराइज्ड काम है और यहाँ पर तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। कि तभी सीन फ्लैशबैक में मुड़ जाता है जब काटो भी एक कॉप हुआ करता था। फाइनली ये दोनों एक साथ मिशन करते हैं, जो कि अभी कॉप हमारे सामने खड़ा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काटो एक छत से दूसरी छत तक कूद गया है और बैंक रॉब होने वाली जगह पर पहुंच जाता है, और वो गन से शूट करता है एक बंदे के हाथ पर जो कि बैंक रॉब करने आया होता है। फाइनली वो बंदा जख्मी होता है कि उसकी गन वहीं पर गिरती है और वो लड़की उस गन को उठा लेती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की भी उसी बैंक की एम्प्लॉई थी और वो मिली हुई थी पैसे चुराने के लिए। कि तभी काटो अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की पर गन चला देता है और वो लड़की वहीं के वहीं ढेर हो जाती है। हमारा काटो काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है, जहाँ पर उसका पुराना बॉस आता है और कहता है कि तुम अभी इस जॉब को कुछ समय के लिए छोड़ दो। यहाँ पास से वो इस जॉब को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है अपने सामान को लेते हुए। सभी के सभी लोग लॉकडाउन की वजह से उसी स्टेशन में यानी कि शिंकानसेन स्टेशन के अंदर रुके होते हैं। कि तभी सबके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि जो बंदा उस दूसरे बंदे का यानी कि जो जिसने बंदी बना के रखा है उसे अगर कोई पकड़ता है तो उसे 100 मिलियन येन मिलेगा। कि तभी पीछे घूमता है और उसे दिखता है कांबे जो कि आया होता है उस मैसेज के साथ। खैर यहाँ पास से काटो को लेकर जाने लगता है कांबे। कि तभी देखता है कि वो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और वो बात कर रहे होते हैं अपने सीनियर से, जहाँ पे उन्हें पल पल की खबर मिलती रहती है। फाइनली वहाँ पर सभी के सभी पुलिस वाले आ जाते हैं फुल्ली लेस बंदूक के साथ। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि काटो ने कार को रुकवा दिया है और काटो कहता है
काम भी हमें उस लड़के को बचाना ही होगा। फाइनली वो कुछ गैजेट्स निकालता है जिसे फाइनली पता ही होगा कि काटो यूज नहीं कर पाएगा। कांबे उसका काफी अच्छी तरीके से यूज करता है। एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाना कोई कांबे से सीखे। काटो जब करता है तो हवा में ही लटक जाता है और बच्चे भी उस पर काफी ज्यादा हंसते हैं। तो उत्तर में काटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी घड़ी के थ्रू अपने बॉस से बात करता है और वो कहता है कि वो अंदर पहुंच चुका है और उसे पता चलता है कि स्नाइपर मैन स्नाइप करने के लिए बैठा हुआ है। जैसे उस बंदे को थोड़ा पीछे की तरफ धकेला जाएगा और वो गन चला देगा जिससे उस बच्चे की मौत हो सकती है। वो जिस बंदे ने हॉस्टेज बना के रखा है उन सभी की सभी औरतों को, जहाँ पास से वो कहते हैं कि हारू तुम्हें जल्द से जल्द लीव करना होगा, यानी कि काटो की बात कर रही थी। कांबे उसे एक प्रोजेक्शन दिखाता है जहाँ पे वो बच्चा एक बंदी को पकड़ के रखता है और दूसरी बंदी को नॉकडाउन कर चुका होता है कि तभी वहाँ पे कॉप आता है और यहाँ पर वो बच्चा कहता है, अरे कॉप तुम आ गए हो, मतलब तुम भी अब फेमस हो जाओगे क्योंकि 4.9 मिलियन लोगों इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी लाइव। जिस पर हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है उसी पुलिस वाले को जो कि स्नाइपर लेकर स्नाइप करने के लिए रेडी होते हैं। तभी काटो को दिखाया जाता है और कहता है कि उसे कुछ करना होगा क्योंकि जब वो बच्चे से मिला था वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा शांत है और वो अपनी बहन को लेने जा रहा है, इसका मतलब उसकी बहन में ही कुछ प्रॉब्लम आई हुई होगी। इसके बाद कांबे समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो अपनी कार से कहता है कि ऑटोमेटिकली एक मिसाइल छूटेगा जिससे काफ़ी जोर तक गैस निकलेगी और वो बताता है कि 8 मिनट 30 सेकंड के लिए सभी के सभी गार्ड्स बेहोश हो जाएंगे तो हम उतने में ही अपना काम करना होगा हमें। और उतने में एक मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाया जाता है जो कि नीचे आकर सीधे गिरता है और इसी के बीच में कांबे और काटो इसी का फायदा उठाते हुए निकल जाते हैं और ट्रेन के कड़े से कांच पर छेद कर देते हैं जिससे वो लोग अंदर की तरफ जा सके। फाइनली काटो और कांबे अंदर पहुंच चुके थे जिस पर हमारे ब्लैक कॉप की नजर पड़ जाती है कांबे के ऊपर क्योंकि शीशे के पीछे कांबे खड़ा था और ये बात सभी लोग को दिख रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका पुराना बॉस ऑर्डर करता है काटो को, काटो अब तुम्हें ही कुछ करना होगा क्योंकि हमारे सारे के सारे गार्ड को बेहोश कर दिया गया है, अब उसे तुम्हें ही शूट करके अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फाइनली कांबे अपना एक गन दिखाता है काटो को और कहता है अब तुम्हारे हाथ में ये जो करना है तुम करो। यहाँ पास से उन्हें पता चलता है कि 5 मिलियन ये व्यूअर्स अब इस वीडियो को देख रहे हैं। फाइनली यहाँ पास वो कहता है कि ठीक है मुझे ये काम करने का मन तो नहीं है लेकिन मैं करूँगा और वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए कह देता है, दरवाज़ा तोड़ दो, और जो सभी लोग को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है सब लोग इस जगह से दूर रहना। जहाँ पे वो बच्चे को कहता है कि तुम छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन की सर्जरी के लिए ये सब कर रहे हो जिससे ज़्यादा पैसे आने वाले हैं इसके लिए, अब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। अब यहाँ पास से वो सभी औरतें सुनती हैं और कहती है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। इस बात को करते ही वो लोग भूतनी जैसे बिहेव करने लगते हैं, मतलब बिल्कुल जॉम्बी जैसा हाल बना देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, पीछे हट जाओ सभी के सभी लोग वरना मैं गन चला दूंगा और सभी ने कोई ना कोई मारा जाएगा। इस पर वो पीछे नहीं हटती औरतें और यहाँ पर जो लड़की हॉस्टेज बनी हुई थी औरत वो कहती है कि मैं फ्यूचर के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूँ, जिस पर कांबे कहता है कि ये लड़कियाँ फूल हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि वो घोस्ट जैसा काम करती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कांबे ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया और एक काफ़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करा दी है बाहर की तरफ, जिसके बाद सारी की सारी औरतों का ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है। ये फाइनली में पता चलता है कि एक्टर्स टाइप की हैं जिस पर वो नीचे पड़ी लेडी भी उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस पिछले वाले सीन को जहाँ पे कार्टून ने उस बैंक वाली लड़की को शूट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अंदर की तरफ आया है और गन दिखाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि दोनों की गन चेंज हो चुकी है, मतलब असली वाली गन अब उस बच्चे के पास है और टॉय वाली गन हमारे काटो के पास। अब यहाँ पास से वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन की सर्जरी करा दी है कांबे, जिस बात को सुनते ही वो बंदा कहता है थैंक यू और रोने लगता है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए ये सब कुछ कर रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी लोग उसके हेल्पफुल के लिए थैंक करते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है काटो के पुराने मेंबर्स को जो कि उसका बॉस होता है और फाइनली यहाँ पर हमें ब्लैक कॉप को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर कांबे को थैंकफुल कर रहा होता है, उस बच्चे को जाते हुए देखता है वो। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काटो और कांबे को, जिस पर काटो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिस पर वो कहता है कि हाँ पूछ सकते हो, जिस पर काटो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंदा किसी को भी नहीं मारेगा, जिसके बाद वो गाड़ी इतनी ज़बरदस्त तेज चलाता है और वो बताता है कि तुम्हारे ही शब्द मुझे इंस्पायर्ड कर गए और तुम्हारे शब्दों से मुझे पता चल गया था। इस बात को देखते हुए कि हमारे काटो की गांठ फटी पड़ी है कि तुम्हारे शब्दों से ही मुझे पता चल गया था कि वो अपनी बहन को बचाना चाहता है और इसलिए वो किसी को वो बंदे को नहीं मारेगा,
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी खर्चा हुआ था इस पूरे मिशन को लेकर। गाइस अगर आपको मेरी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।